हेलो फ्रेंड्स, श्रुतिस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिक्स स्प्राउट्स वेज बरीटो। एक्चुअली बरीटो एक मैक्सिकन डिश है, लेकिन मैंने उसे कुछ अलग इंटरेस्टिंग और हेल्दी ट्विस्ट दिया है, जिसे आप खाकर ज़रूर एंजॉय करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप हरे मूंग, एक कप काले चने और एक कप चवला के दाने लिए हैं। इन्हें 6 से 7 घंटे पानी में भिगो कर रखा है और अब इन्हें 6 से 7 घंटे के लिए स्प्राउट मेकर में रखेंगे। देखिए, इसमें बहुत अच्छे से स्प्राउट्स आ गए हैं। अब हम इसे एक मिक्सर जार में लेंगे। इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियां डालेंगे, 1/4 चम्मच अदरक पाउडर डालेंगे, हरी धनिया पत्ती डालेंगे और अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, उसके बाद 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं आपके स्वाद अनुसार। और अब ये मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक हो, उसके लिए हम इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे। इसे हमें एकदम अच्छी तरह से बारीक करना है मिक्सर में। ये देखिए, ये एकदम फाइन बैटर तैयार हो गया है। इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप चावल का आटा मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियां ना रहे। इसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें डोसा बैटर की तरह चाहिए, तो अगर यह गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें और पानी मिला सकते हैं। यह बरीटो रैप की प्रिपरेशन हो गई है। अब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज का गाजर लिया है, एक छोटी ककड़ी ली है और आधी मूली ली है और इन तीनों को मैंने कद्दूकस करके लिया है। और अब इसमें 1 प्याज, 1 टमाटर और हरी मिर्च को बारीक काट के मिक्स करेंगे। इसमें 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स मिलाएंगे। अब 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच नींबू का रस मिलाएंगे। इसमें ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डाल रही हूँ और अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम नॉनस्टिक तवा गरम करेंगे और इसमें कुछ बूंद घी डालेंगे। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। हम डोसा बनाते हैं उसी तरह ये बैटर इस पर डालकर सेंटर से बाहर की तरफ फैलाएंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए इसके ऊपर घी डालकर पहले एक साइड से पका लेंगे। ये एक साइड से अच्छी तरह से पकने के बाद हम उसे पलटकर उस पर फिर से घी डालकर दूसरी साइड से पकाएंगे। इसकी दोनों साइड्स अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसे निकाल सकते हैं। ये स्प्राउट्स का बरीटो रैप रेडी हो गया है। इसे हम एक प्लेट पर रखेंगे और अब हमने जो स्टफिंग तैयार की है वो इस पर अच्छी तरह से फैलाएंगे। स्टफिंग में आप अपनी पसंद से और भी कोई सलाद ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग पे हम ऊपर से चीज़ डालेंगे।
चीज़ को यहाँ मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब हम इसे रोल करके पूरी तरह से पैक कर लेंगे। और आप चाहे तो लास्ट में इस रोल को सेंटर से काट भी सकते हैं। और ये मिक्स स्प्राउट वेज बरिटो तैयार है। और ये खाने में जितने स्वादिष्ट है उतने ही पौष्टिक भी हैं, इसलिए आप भी इसे ज़रूर बना के देखिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।